हमने एक पोस्ट को कैसे बूस्ट करते हैं ये सीखना स्टार्ट किया था, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स अभी रह गए थे तो हमारा टाइम भी खत्म हो गया था। तो आज मैं पहले आपको ये रिवाइज करवा दूंगी स्टार्टिंग से कि आपने कैसे पोस्ट को बूस्ट करना है, तो आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगी कि आपने पेमेंट मेथड कैसे जो है ना अपने जब आप पोस्ट को बूस्ट करते हैं तो उस पोस्ट के बूस्ट करने के लिए आपको फेसबुक को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने उस पे करने के लिए कोई कार्ड अटैच करना होता है, उसे पेमेंट मेथड कहते हैं, ठीक है। तो हमने पेमेंट मेथड कैसे इसके अंदर ऐड करना है अपने फेसबुक पेज अकाउंट में, ठीक है। तो उसके वो मेथड भी मैं आपको ऐड करना बताऊंगी, ये भी बताऊंगी कि कौन से वाले कार्ड्स हैं जो आप अटैच कर सकते हो और कौन से बेस्ट हैं कि आपको वो अटैच करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जिनसे टैक्सेस कम कट होते हैं ना, वो वाले कार्ड मैं आपको बताऊंगी जो आप वो कम टैक्सेस कार्ड से कट डाउन होते हैं, आप वो वाले कार्ड से अटैच कर लें ताकि आपको लॉस थोड़ा कम हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम पोस्ट को बूस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी अब ये देखिए, हमने जो एक पोस्ट किया था ना अपने फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट की थी, उस पोस्ट के ऊपर आप देखें एक ये ब्लू बटन शो हो रहा होता है बूस्ट पोस्ट का, ठीक है। हम अपने पेज के ऊपर जितने भी पोस्ट करते हैं ना, हर पोस्ट के नीचे पोस्ट बूस्ट का एक बटन शो हो रहा होता है, ठीक है। तो इस बटन पे हमने क्लिक करना है, और ये पोस्ट को बूस्ट करने का मतलब ये है कि हम इस पोस्ट के ऊपर अपनी एड को रन कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये हमारी जो ये वाली पोस्ट है ना, ये लोगों को एड के फॉर्म में शो होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोस्ट बूस्ट पे क्लिक करेंगे, अच्छा। अब देखिए इसमें सबसे पहली चीज है कि उन्होंने पूछा है कि आपका गोल क्या है, यानी आप ये ऐड क्यों रन करना चाहते हैं, आप इससे क्या रिजल्ट्स आप चाहते हैं, इस ऐड को रन करके आप कौन से रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। ओके अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि लेट फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स। अच्छा देखिए, एक तो आप जो है ना ऑटोमेटिक गोल सिलेक्शन कर सकते हैं, मीन्स कि इसमें फेसबुक ऑटोमेटिकली खुद से डिटेक्ट करेगा कि आपके फेस जो फेसबुक पेज है ना, आपने जब उसकी सेटिंग की थी तो उसमें आपने कुछ कैटेगरीज इंक्लूड की हुई थी, तो उन कैटेगरीज को देख के ना फेसबुक के देखता डिसाइड करता है कि कौन सी आपके जो एड आप रन कर रहे हो ना उसका गोल क्या होगा, ठीक है। जैसे अब हमने अपना एडवर्टाइजिंग का पेज बनाया तो इसका मतलब कि हम एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसके अंदर कैटेगरीज भी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड ही एड की हुई थी, तो फेसबुक हमारी इन सेटिंग्स को देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपनी सर्विसेज लोगों को देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी उसे पता चल जाएगा कि हमारी इस एड का गोल क्या है, यानी हमारी इस एड लगाने का मकसद क्या है कि हम लोगों को ताकि लोग हमसे हमारी सर्विसेज बाय करें, ठीक है। तो वो लेकिन अब आप देखें कि जो फेसबुक है ना, उसका जो एल्गोरिदम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस कर रहा है, ठीक है। वो उसको कोई जो एल्गोरिदम है वो इंसान जो है वो खुद कोई ऐसे इंसान ही है कि जो हर टाइम फेसबुक को बैठ के तो उसको मोनेटाइज कर रहे हो, हर टाइम उसको देख रहे हो कि इस पर्सन का जो है ना, इसने ये वाले कैटेगरी कैटेगरीज अपने पेज में इंक्लूड की हुई है तो इसकी ये वाला गोल होगा, ठीक है। वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बेस कर रहा है, तो वो कुछ ना वर्थ भी अंदाजे लगा सकता है, तो इसलिए हमें शुरू में ना खुद से अपना गोल सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिक गोल पे नहीं जाना चाहिए, ठीक। अच्छा अब ये मैंने जब यहाँ पे क्लिक करूंगी चेंज पे, ठीक है, तो ये डिफरेंट गोल्स आपको शो होंगे, इनमें से आप कोई भी गोल जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने कल आपको एक मतलब सारे एक्सप्लेन किए थे, लेकिन आज मैं आपको ना थोड़ा जल्दी से एक मतलब रिवाइज करवा देती हूँ कि हर एक गोल का क्या पर्पज है और कौन सा गोल आप कब यूज करो करो तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट वाला गोल है ना, गेट मोर मैसेजेस, ये आपने तब यूज करना है जब आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को या अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेकिन आपके पास फेसबुक का पेज है और आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो अगर तो वेबसाइट होना तो हम जो ये वाला गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स वाला गोल यूज कर रहे होते हैं ताकि हम ट्रैफिक को वेबसाइट पे लेके जाए और फिर हम वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट लगा देते हैं,
यानी अच्छे जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना उसके बहुत अच्छे से इमेजेस लगाते हैं, और लोगों को फिर हमने जब एक बार ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ जाए ना, तो उसके बाद आपका काम है कि आप लोगों को इंप्रेस कर लें अपनी प्रोडक्ट से या अपनी सर्विसेज से, ठीक है। तो ट्रैफिक लेके जाने के लिए अपनी वेबसाइट विजिटर्स वाला गोल यूज करना है, और अगर तो आपके पास वेबसाइट नहीं है और आप वेबसाइट के बगैर ही सेल्स लेके आना चाह रहे हैं या अपनी सर्विसेज सेल आउट करना चाह रहे हैं ना, तो फिर आप ये गेट मोर मैसेजेस का गोल है ना, ये वाला आपने चूज करना है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि लोग आपका जब एड देखेंगे तो एड के ऊपर ना एक बटन शो होगा, वो बटन होगा सेंड मैसेज का या व्हाट्सएप का, ठीक है। तो लोग उस बटन पे क्लिक करेंगे और आपको मैसेज के थ्रू आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, आपकी सर्विसेज के बारे में पूछेंगे, या फिर आप जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके बारे में वो या तो आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे या फिर आपको ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो आप मैसेजेस के थ्रू ऑर्डर ले भी सकते हैं और सर्विसेज भी लोगों को सेल आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपने गेट मोर मैसेजेस वाला ऑब्जेक्टिव चूज करना है। देखिए उसके नीचे ना उन्होंने लिखा भी हुआ है कि गुड फॉर सेल्स, यानी अगर आपने सेल्स इंक्रीज करनी है ना तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ट है, ठीक है। ओके, इसके बाद है गेट मोर इंगेजमेंट्स। अच्छा, इंगेजमेंट का मतलब होता है कि अपनी वेबसाइट के सॉरी अपने फेसबुक पेज के ऊपर फॉलोइंग्स इंक्रीज करना, या अपने जो फेसबुक पेज पेज की पोस्ट है उनके ऊपर लाइक्स कमेंट्स और शेयरिंग को इंक्रीज करना, ठीक है। तो अगर तो आप ये चाहते हैं ना, आपका न्यू ब्रांड है और उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस अभी नहीं है, ठीक है, लोग उसके बारे में नहीं जानते आपके ब्रांड के बारे में, तो आपने भी न्यू न्यू अपना फेसबुक पेज भी बनाया और तो पेज के ऊपर जाहिर है कोई इंगेजमेंट नहीं होगी, लाइक्स फॉलोइंग्स नहीं होंगे, तो कोई नया पर्सन जब आएगा तो लोग दूसरों के रिव्यूज देखते हैं और ये चेक करते हैं कि कितने लोगों ने इनसे पहले इनकी सर्विसेज ली हैं या इनके प्रोडक्ट्स बाय किए हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है। तो वो जब इन चीज़ों को देखते हैं तो फिर वो बाय करते हैं, ठीक है। अगर तो आपके पेज पे पहले ही कोई भी इंगेजमेंट ही नहीं है, कोई भी वो चीज़ परचेज नहीं कर रहा आपसे, कि अभी मतलब किसी ने आपका न्यू पेज है तो जाहिर है किसी ने भी आपसे कोई चीज परचेज तो की नहीं होगी ना, तो अगर तो किसी ने कोई कमेंट किया ही नहीं होगा कि ये चीज मैंने खरीदी है और ये बहुत अच्छी है ये चीज, या मैंने इनसे ये सर्विसेज ली, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही हैं, तो अगर तो किसी का इस तरह के कोई कमेंट्स नहीं आए, तो जब जो न्यू विजिटर्स आपके फेसबुक पेज पे आए हैं उनको पहले तो ये देखेंगे ना कि जो पहले प्रीवियस इनके जो कस्टमर्स हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो अगर तो उनको कोई एक्सपीरियंस मतलब शो ही नहीं हो रहा कोई कमेंट वगैरह कुछ भी लाइक्स वगैरह, तो वो ये सोचेंगे ना कि ये तो अभी नए नए हैं इस बिजनेस में, पता नहीं इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी हों या ना, या ये हमें अच्छी सर्विसेज दें या ना ना दें, तो वो हमारे कंपटीटर्स के पास जाएंगे जो अच्छे मतलब वो पहले से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनके ऊपर जिनसे काफी ज्यादा लोग वो चीजें ले रहे हैं, उनके पेज पे इंगेजमेंट ज्यादा, उनके रिव्यू ज्यादा है ना, तो फिर उनसे वो चीज बाय कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें ये करना होता है कि हम अपने पेज के ऊपर इंगेजमेंट ज्यादा लेकर आए, तो उसके लिए ना हमने यानी अपने पेज डायरेक्टली हमें सेल्स पे जाने के बजाय ना, सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव चूज करने के बजाय पहले अपने पेज पे जो अगर तो आपका न्यू पेज है ना तो उसके ऊपर हमने इंगेजमेंट का एड रन करनी होती है, ताकि आपके पेज के ऊपर लाइक्स फॉलोइंग्स इंक्रीज हो जाए, और जब आपके पेज के ऊपर इंगेजमेंट बढ़ जाएगी फिर लोगों जब कोई भी आपके पेज पे आएगा तो उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये जो है अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो भी आपसे आपकी सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट्स बाय करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी ना एक एग्जांपल देखें, जैसे आप ना किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अभी आपने रेस्टोरेंट से बाहर आप देखते हैं कि जस्ट वन और टू जो है ना कार्स है, और आप अंदर गए तो अंदर भी बहुत टू थ्री पीपल बस बैठे हुए हैं, तो आप विजिट करने आए थे रेस्टोरेंट ना, तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने खाना नहीं खाया, आप वहां से बाहर आए और आप किसी और रेस्टोरेंट में चले गए, अब उस रेस्टोरेंट के बाहर आपने देखा कि कार्स की ना लाइन लगी हुई है और अंदर गए तो इतना ज्यादा रश था आप था, तो आप ना इस चीज से अंदाजा लगा लोगे कि उनकी जो रेस्टोरेंट के खाने का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तो यहाँ पे इतने ज्यादा लोग आए आए हुए हैं, तो जाहिर है कि वो लोग पहले भी आते रहते होंगे और वहाँ के खाने का टेस्ट अच्छा होगा तो वहाँ पे इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं ना, तो आप उस रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जहाँ पे ज्यादा रश होता है ना वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोग जो है ना वो ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पे पहले आ रहे हैं तो यहाँ की सर्विसेज अच्छी होंगी या तो हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो इंगेजमेंट का मतलब ही यही है कि आप अपने पेज पे ना एक रश इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स के लोगों का के कमेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, उनके लाइक्स वगैरह फॉलोइंग्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पेज के ऊपर इस तरह से रश इंक्रीज हो जाएगा, तो जब कोई भी न्यू पर्सन आएगा तो उसकी
तभी जो है ना ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप होगा और वो भी आप सबकी सर्विसेज बाय कर लेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर आपका न्यू पे है तो आपने सेल्स की सेल्स का गोल चूज नहीं करना, पहले इंगेजमेंट का चूज करें। हमने पेज के ऊपर इंगेजमेंट ज्यादा लेके आए, उसके बाद आप सेल्स वाले गोल पे जाइएगा। ठीक है, और अगर तो आपके पास इंगेजमेंट आ गई है, आपके पेज के ऊपर लाइक्स फॉलोइंग्स इंक्रीज हो गए हुए हैं, तो फिर आप डायरेक्टली सेल्स की कैंपेन पे चले जाइएगा। ठीक है, सेल्स का गोल जो है ना वो चूज कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा, अब थर्ड है ग्रो कस्टमर बेस। अच्छा, पहले मुझे बताइए दोनों क्लियर है ना, मैसेज और एंगेजमेंट, और ये कब हमने ये गोल सिलेक्ट करने हैं, ये समझ आ गया आप लोगों को? यस मिस। जी, बाकी मुझे मुझे जल्दी से ना चैट बॉक्स में मैसेज कर दें क्लियर का, और अगर कोई क्वेश्चन है ना तो क्वेश्चन भी मैसेज चैट बॉक्स में आप लोग पूछ लें। ओके, मैं नेक्स्ट चलती हूँ। ठीक है, अब मैं जब थोड़ा मतलब ये वाला जो चीज़ है ना थोड़ी थ्योरेटिकल है, लेकिन ये हमारी बेस बनाती है। अगर आपको ये पता होगा ना कि कौन सा गोल हमने चूज करने का करेंगे तो हमारी जो है ना अच्छे रिजल्ट्स आएंगे हमें, और हमने कौन सा गोल किस टाइम पे चूज करना है, तो फिर ही आप अच्छी एड्स रन कर सकोगे और उन एड्स का आपको फायदा भी होगा। वरना अगर आप तो आपको चाहिए सेल्स और लेकिन और आप ट्रैफिक वाली कैंपेन्स रन कर रहे हो ना, तो फिर आपको सेल्स इतनी ज्यादा नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपने पहले मतलब जो एडवाइसेस आपको दी जा रही है ना कि आपको अगर पेज पे एंगेजमेंट नहीं है तो पहले आप एंगेजमेंट लेकर आए, उसके बाद सेल्स का ऑब्जेक्टिव चूज करें और फिर सेल्स लेके आएंगे आपको। ठीक है, तो आपने ये फॉलो करनी है। ठीक है, उसके अगर तो आप इनको नहीं फॉलो करेंगे, डायरेक्टली सेल्स की कैंपेन पर जाएंगे, तो आपका बजट भी वेस्ट होगा और आपको सेल्स नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। अब जो थर्ड है वो है ग्रो कस्टमर बेस। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ना हाई टिकट आइटम्स है, मीन्स के जो हाई कॉस्ट वाली चीजें हैं ना, मतलब जिन चीजों की प्राइसेस हाई हैं, वो चीजें डायरेक्टली कोई भी आपसे पिक्चर्स देख के ना उसे परचेज नहीं करता। तो उसके लिए जैसे हमने देखा था इसके एक एग्जाम्पल के, कोई जैसे प्लॉट्स वगैरह सेल हो रहे होते हैं ना, तो अगर कोई भी अपनी वेबसाइट पर उसकी पिक्चर्स लगा दे, और तो ये नहीं होता अगर उनको तो बस वो प्लॉट की पिक्चर दे के कोई करना उनको कह देगा कि हमने ये आपसे परचेज करना, तो ये जो इस तरह की आइटम्स है जैसे प्लॉट्स हैं या हाउसेस वगैरह है ना, तो जब इन चीजों को सेल करना होता है तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी ना जो एड रन करते हैं तो उसके एक बटन लगाते हैं, जब उस बटन पर क्लिक करके करता है कोई तो एक फॉर्म ओपन होता है। ठीक है, उस फॉर्म में ना जो जो भी जाहिर है कि जो इन लोगों की एड है उसको उसके ऊपर क्लिक तो वही करेगा ना जो फ्लोर को बाय करना चाहता है या हाउस को बाय करना चाहता है, यानी जो लोग इस चीज में इंटरेस्टेड है वो भी क्लिक करेंगे, क्योंकि हम जब फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारे सामने काफी एड्स शो होती हैं, लेकिन हम क्लिक उस एड पे ही करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। ठीक है, जो चीज हमारी इंटरेस्ट की नहीं है हम उस पर उस वाली एड पे क्लिक तो करते ही है ना। तो अब जिन लोगों ने ये रियल स्टेट की एड्स पे क्लिक किया, मीन्स कि उनको का इंटरेस्ट है रियल स्टेट में, मीन्स वो फ्लावर्स बाय करना चाहते हैं या हाउसेस बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो वही बाय करना चाह रहे हैं तो फिर वहां उन्होंने क्लिक करेंगे और उनको एक फॉर्म शो होगा। ठीक है, उस फॉर्म के अंदर ना ये जो रियल स्टेट के लोग होते हैं, इन्होंने आप कुछ इंफॉर्मेशन मांगी होती है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन में एक तो वो ईमेल आईडी मांगते हैं और इसके अलावा वो फोन नंबर कॉन्टेक्ट नंबर मांगते हैं। ठीक है, ओके। अब जब आप उनको अपना ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे दोगे और फॉर्म फिल करके सबमिट कर दोगे ना, तो ये डाटा उनके पास चला जाएगा। अब जब काफी सारे लोगों का उनके पास डाटा आ जाता है, तो फिर वो ये जो कॉल्स का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया ना कॉल सेंटर को प्रोवाइड करते हैं, और फिर वहां से ना वो अपने जो जिन लोगों ने ये डाटा दिया तो उनको कॉल्स करते हैं, और कॉल करने के बाद उनको अपनी जो उनकी जो भी फ्लोर्स वगैरह उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, उनसे बातचीत करते हैं, और फिर अगर तो एक फ्लोर वो बेच रहे हैं ना, तो उसके ऊपर ना वो बिडिंग लगाते हैं, बिडिंग में बोली लगवाते हैं, और जब वो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है यानी मतलब जो सबसे ज्यादा उनको पे करने के लिए तैयार हो जाता है, वो उसको वो सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो बातचीत करके काफी कन्वर्सेशन के बाद एक फ्लोर सेल आउट होता है। तो उसके लिए ना ये जो फॉर्म फिल करते हैं,
इसको लीड फोन कहते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप ये मतलब वो इस तरह की चीजें सेल करना चाह रहे हैं ना, जैसे हाउसेज है या फ्लोर्स हैं, तो उसके लिए हमने ग्रो कस्टमर बेस वाला रोल जो है ना ये सिलेक्ट करना है। तो इसमें उन्होंने कहा है यूज अ फॉर्म टू कलेक्ट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी इस गोल के अंदर ना एक फॉर्म यूज होता है। यानी अगर आप ये वाला गोल सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो आगे जैसे हमने कल देखा था ना एड के अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें पुट करनी होती है, ठीक है। तो फिर आपको एक फॉर्म भी शो होगा जिसमें आपने सिलेक्ट करना है कि हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर से लेनी है, ठीक है। तो आप वहाँ से फोन नंबर सिलेक्ट कर लें या ईमेल सिलेक्ट कर लें, और फिर जब आपकी एड रन होगी तो फिर आपको फॉर्म लोगों को शो होगा कस्टमर्स को, और वो अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें दे देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। अच्छा, अब देखें ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना कि अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है तो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स जो है वो लेकर आने हैं, यानी अपने कस्टमर्स को वेबसाइट पे लेकर आना, ट्रैफिक इंक्रीज करनी है। एक मतलब लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाए तो अपने वेबसाइट पे अगर तो अच्छी चीज बेच रहे हैं जो लोगों को के लिए प्रॉफिटेबल है, और आपने उसके बहुत अच्छे इमेजेस भी लगाए हुए हैं, तो फिर इस चीज का चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो जो कस्टमर्स है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे सेल में, ठीक है। ओके, इसके बाद गेट मोर कॉल्स। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव आपने तब चूज करना है जब आप चाहते हैं कि लोग आपसे कॉल करें और कॉल पे आपसे इन्फॉर्मेशन लें, और फिर आपसे मतलब आप कुछ भी सेल आउट करना चाहते हैं तो वो लोग आपसे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लें, ठीक है। तो इसके बाद ये कॉल जो है ना, जैसे स्कूल्स या कॉलेजेस में एडमिशन ओपन होते हैं ना, तो वो जब एडमिशन के एड रन कर रहे होते हैं ना, तो उन एड्स में वो ये गेट मोर कॉल्स का ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, तो उन ताकि लोग उनसे कॉल्स करके एडमिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लें, और जो है ना वो एडमिशन जो जब लोग सारे इन्फॉर्मेशन लेंगे तो अगर तो उन्हें अच्छा लगेगा कि इंस्टीट्यूट अच्छा है तो वो उसमें एडमिशन भी करवाएंगे बच्चों का, ठीक है। अच्छा, फिर ना अच्छा अभी तो मैं अपनी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है इसका चला पोस्ट को मैंने बूस्ट करना है, तो इसके लिए मैं ना गेट मोर मैसेजेस की कैंपेन तो गोल चूज करूंगी और इसको मैं सेव कर दूंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास वेबसाइट नहीं है ना और पेज है जस्ट, तो पेज के थ्रू अगर मैंने सेल्स लानी है या सर्विसेज देनी है बेचनी है लोगों को, तो मैं गेट मोर मैसेजेस वाला ही चूज करूंगी। और सपोज मैं ये हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो पेज है ना ये काफी ओल्ड है, इसके ऊपर काफी इंगेजमेंट्स हैं, तो फिर हम ये ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, ठीक है। अब आपने ये परेशानी होना कि आपको मैसेजेस वाला सिखा दिया, तो अब मैंने आपको इंगेजमेंट्स वाला नहीं सिखाया। हम बारी बारी सारे ऑब्जेक्टिव जो है ना वो लगा के उनकी कैंपेन्स रन करना सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी सिर्फ फिलहाल मैं मैसेजेस वाला आपको पूरा करवा दूँ एक गोल के साथ बूस्ट करना, उसके बाद जब हम एड्स रन करना सीखेंगे ना एड मैनेजर के थ्रू और बिजनेस मैनेजर के थ्रू, ठीक है, तो उसमें सारे गोल्स आएंगे, तो हम उसमें मैक्सिमम जो गोल्स है ना उनके साथ सेटिंग्स करना सीखेंगे सारी अपनी पूरी कैंपेन्स की, ठीक है। तो अभी मैंने कल मैसेजेस वाला स्टार्ट करवा दिया था, इसलिए आज मैंने दोबारा मैसेजेस को ही सिलेक्ट किया है, तो इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद जब हम अपना बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर के थ्रू सीखेंगे एड्स को रन करना, तो उसमें मैं बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी इंशाल्लाह आपको सेटिंग करनी सिखा दूंगी, ठीक है। ओके, अब ये देखिए एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। अच्छा, क्रिएटिव क्या होता है, ये जो अपनी आपकी एड है ना इस एड के अंदर ये जो इमेज शो हो रहा है इस इमेज को क्रिएटिव कहते हैं, ठीक है। और सिर्फ इमेज नहीं, इमेज के ऊपर जो हम हेडलाइन शो हो रही होती है ना और ये डिस्क्रिप्शन शो हो रहे थे, इन सबको मिला के एक क्रिएटिव बन जाता है। जब एड एडवांटेज प्लस क्रिएटिव हम पे क्लिक करते हैं, अच्छा जब हम एडवांटेज प्लस क्रिएटिव को ऑन कर देते हैं ना, तो फेसबुक क्या करता है कि ये जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना इस पोस्ट के अंदर, इस डिस्क्रिप्शन से मतलब ये जो हमने लाइन लिखी हुई है ना इससे मिलती जुलती वो कुछ ना दो तीन और लाइन लिख लेता है, और फिर कुछ लोगों को इस इमेज के साथ एक लाइन शो करवाएगा, कुछ को दूसरी और कुछ को तीसरी लाइन शो करवाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर वो देखेगा कि कौन सी वाली लाइन पे ना अब मैंने लिखी तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इस ऐड पे क्लिक किया और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो अब जब वो ये देखता है कि ये वाली जो मैंने लाइन लिखी थी इस पे मतलब मेरे ऐड पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो वो नेक्स्ट टाइम ज्यादा लोगों को वो वाली लाइन ही शो करवाएगा, ठीक है।
तो ये एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का ना फायदा होता है कि फेसबुक जो है ना वो डिफरेंट वेरियंट आपके वेरिएशन जो है ना आपके क्रिएटिव की वो शो करता है लोगों को, और उन वेरिएशन को देख के वो डिसाइड करता है कि किस वाली वेरिएशन के ऊपर पर ज्यादा अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, तो फिर वो वाली वेरिएशन वो ज्यादा लोगों को दिखाता है। ठीक है, ये वाली बात समझ आई आप लोगों को एडवांटेज प्लस क्रिएटिव वाली? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या समझ नहीं आई ना तो मुझे मैसेज करें, चैट बॉक्स में मैं दोबारा रिवाइज करवाती हूँ, अगर नहीं समझ आए तो रिवाइज कर मैसेज कर दें। ठीक है, और आगे तो क्लियर कर जल्दी से। स्टूडेंट्स और जरा जल्दी जल्दी से मैसेज करें क्योंकि ना हमें आज इसको कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। जी फहद, आप कल नहीं थे तो आपको ये समझ आ गई 20+ क्रिएटिव का ऑन करने का क्या फायदा है और ये क्या होता है? फहद भी नहीं थे, किंजा किंजा आप भी नहीं थी, आप दोनों बताइए जल्दी से। चलें ठीक है, हाँ ये समझिए। चलें अब ना आगे चलते हैं। मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेजिंग, अब देखिए जब हम मैसेज मैंने ऊपर से अपना गोल सिलेक्ट किया गेट मोर मैसेजेस का, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैसेज जब हम किस इसका मतलब कि लोग हमें ज्यादा से ज्यादा मैसेज करें हम ये चाह रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे एक बटन भी शो हो रहा है, उस बटन पे सेंड मैसेज आ रहा है ना, तो अगर कोई क्लिक करेगा सेंड मैसेज पे तो वो मैसेंजर में चला जाएगा या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ना किसी ने भी क्लिक किया तो वो जब मैसेंजर में जाएगा ना, तो हम चाहते हैं कि वो मैसेंजर में जाए तो उसको एक ग्रीटिंग मैसेज हम दे दें। ठीक है, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि हम वेलकम टू डिजिटलाइज, और फिर आपके आप पूछने के व्हाट सर्विसेज डू यू वांट टू हैव, कि आपको कौन सी सर्विसेज चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये देखिए, अब इसके अंदर ना मैंने खुद से भी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और आप इनको एडिट भी कर सकते हो। अगर आप इस पेंसिल पे क्लिक करोगे ना तो अब आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो। जैसे देखें, पहले तो मैं इसको कट करके ना आपको ये दोबारा से बताती हूँ कि ये कैसे आया था। अच्छा, इन्होंने पूछा हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, यानी अगर आप कोई भी सेंड मैसेज पे बटन पे क्लिक करेगा ना तो उसको मैसेंजर में ये लाइन शो होगी। ठीक है, और आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ वेलकम टू डिजिटलाइज अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ना जब ये ग्रीटिंग मैसेज किसी को भी शो हो तो हम चाहते हैं कि शुरू में ना उस पर्सन का नेम शो हो जाए उसे, यानी जैसे फॉर एग्जांपल किसी गर्ल ने हमें क्लिक किया है उसका नाम फाइजा है। ठीक है, तो उसने क्लिक किया तो उस पर मैसेज शो हो फाइजा वेलकम टू डिजिटलाइज व्हाट सर्विसेज डू यू वांट टू हैव। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल किसी और बॉय ने क्लिक किया तो उसका नाम सपोज अली है, तो शुरू में आ जाए अली वेलकम टू डिजिटलाइज। ठीक है, तो मीन्स के जो भी आप क्लिक करें ना उसको उसका नाम शुरू में शो हो जाए। ठीक, तो ये हम नाम क्यों लिखते हैं क्योंकि इससे ना थोड़ा मतलब जब हम किसी का नाम लेके उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं ना तो उसको लगता है कि ये हमारे साथ थोड़ा मतलब हमें कोई सर्विसेज देने में ये लोग सीरियस हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ना प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और अब उन्होंने हमने जो भी ऐड करना है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए उन्होंने लिखा है फर्स्ट नेम ऑफ द रेसिपिएंट, यानी जिसको ये मैसेज रिसीव होगा ना उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाए, या उसका सर नेम यानी सेकंड नेम आए, या फुल नेम आ जाए उसका, या फिर ओ स्टूडेंट्स मीटिंग ओवर होने लगी, मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करती हूँ। ठीक है, ओ ओके अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हम मैसेजेस को एडिट करते हैं ना तो हमने सेटिंग की हुई है कि ग्रीटिंग मैसेज जब भी कोई जब भी आपके कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो सेंड मैसेज के बटन पे तो उससे ये वाला ग्रीटिंग मैसेज शो होगा जो हमने पहले थोड़ी देर पहले ही हमने ये एडिट किया था। ठीक है, अब जब उस ग्रीटिंग मैसेज के बाद ना आप नीचे यहाँ पे कोई क्वेश्चन खुद से लिख सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपके बिजनेस से जो रिलेटेड जो ऑडियंस है ना वो ऑडियंस आपसे क्वेश्चन कर सकती है, तो
आप उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखें और उसको सेव कर दें। अब इन्होंने ना खुद से कुछ क्वेश्चन लिख के सेव किया, और आप इसको एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, तो मैं इसको रिमूव करके यहाँ लिख सकती हूँ व्हाट सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि कोई भी कस्टमर जो है वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की अगर सर्विसेज देना चाहेगा तो वो ये मेरे से पूछेगा ना। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट रुकिएगा, मैं शेयर करती हूँ दोबारा। अब देखिए शो हो रही है स्क्रीन। ओके अब देखें, अगर हमें लगता है ना कि कोई भी हमसे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहेगा तो वो हमसे ये पूछे पूछे पूछेगा कि आप कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन ये ऑटो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लिख के सेव कर देते हैं, और इसका आंसर भी एक लिख के सेव कर देते हैं, वी प्रोवाइड। मैं थोड़ी सी लिखूंगी क्योंकि मैंने कल काफी आपको लिख के लिखा दी थी, आज मैं बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रही ताकि हम आगे इसको खत्म कर दें आज काम को इंशाल्लाह। ऑर्गेनिक मार्केटिंग बस मैं ठीक आज ठीक ही लिखूंगी क्योंकि टाइम नहीं है इतना, ठीक है। अब ये लिख के अगर मैं इसको सेव कर दूंगी तो यहाँ पे ये अब फॉर एग्जाम्पल देखें, अब ये देखिए यहाँ पे जो ऑटोमेटिक क्वेश्चन है वो भी सेव हो गया, और एक ग्रीटिंग भी मैसेज भी सेव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जो है वो ऑन है, मीन्स के अगर आपको कोई जब कोई भी सेंड मैसेज बटन पे क्लिक करे और उसके बाद अगर वो इस क्वेश्चन पे क्लिक कर देगा तो जो आपने आंसर सेव किया था ना ऑटोमेटिकली उसको वो आंसर शो हो जाएगा, ठीक है। ओके अब इसके बाद जो है ना ये एप्स में शो हो रहा है कि आपने किन किन एप्स पे आप चाहते हैं कि लोग आपको मैसेजेस सेंड करें। अगर तो आप चाहते हैं कि मैसेंजर पे सेंड करें तो आप मैसेंजर को ऑन रहने दें, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे करें तो इसको भी ऑन रहने दें। मतलब अब जिस चीज पे चाहते हैं ना आपको लोग मैसेजेस सेंड करते आप उस उन प्लेटफॉर्म्स को ऑन रहने दें और उनको ही ऑन करें, तो इसको आप मोस्टली रोज यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मैसेंजर और इंस्टाग्राम को रिमूव कर देती हूँ, जस्ट व्हाट्सएप रहने देती हूँ ना ऑन, तो अब देखिए यहाँ प्रीव्यू में तो कौन सा बटन शो होता है, ये देखिए जस्ट व्हाट्सएप का बटन शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं मैसेंजर को भी ऑन कर देती हूँ तो ये गेट मैसेजेस का बटन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सेंड मैसेजेस का, सॉरी। तो अगर तो आपको ये बटन शो करवाना है सेंड जस्ट व्हाट्सएप को, और हम जस्ट व्हाट्सएप पे ही मैसेजेस लेकर आने हैं ना, तो बाकी दोनों को ऑफ कर दें, ठीक। ओके अब आगे देखिए ये स्पेशल एड कैटेगरी वो शो कर रहा है कि वो कह रहे कि इज दिस एड अबाउट एम्प्लॉयमेंट, क्या आपकी जो एड है वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन योर पेज कैटेगरी वी रिकमेंड सिलेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट एज द स्पेशल एड कैटेगरी टू हेल्प प्रिवेंट एंड एड रिजेक्शन, ठीक है। अब वो देखिए हमने जो अपने पेज की सेटिंग की थी ना, पेज में हमने कैटेगरी रखी थी मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की, ठीक है। तो उसने उन कैटेगरीज को देखा कि इनकी कैटेगरीज मार्केटिंग और मार्केटिंग एजेंसी और एडवर्टाइजमेंट है, तो उसने ये अंदाजा लगाया कि शायद हम अपने लोगों को मार्केटिंग की जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आपने ये जो फेसबुक का गोल है ना ऑटोमेटिक गोल वो सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे काम कर रहा है, तो वो आप मतलब गलत भी अंदाजा लगा सकता है गोल का, तो आपने खुद से चेंज करके ना खुद से गोल सेलेक्ट कर लेना। अब उसने अंदाजा लगाया है कि आपका मकसद ये है कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, तो हमारा मकसद ये नहीं है, हमारी एड की कैटेगरी ये नहीं है, तो फिर हम इसे ऑन नहीं करेंगे। अगर तो उसने जो अंदाजा लगाया है वो ठीक है तो फिर आप इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। ओके इस यहाँ तक आपको क्लियर है सब? जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे चैट बॉक्स में पूछ लें, अदरवाइज क्लियर का मैसेज कर दें, फिर मैं आगे चलती हूँ। ओके हाँ
स्पेशल एड कैटेगरी रिवाइज करने को कहा है मुझे तुरंत। देखें आपने अपने पेज की जो सेटिंग की थी ना, जब पेज हमने बनाया था उस टाइम हमने उसकी कैटेगरी सेट की थी, तो फेसबुक वो कैटेगरीज को देखता है कि आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, और उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि आपकी ऐड का गोल क्या होगा। जैसे हमने एडवर्टाइजिंग का पेज बनाया था, तो हमने अपनी जो कैटेगरी थी वो मार्केटिंग एजेंसी और एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट की हुई थी, और इसके अलावा हमने एड्स भी उसमें सिलेक्ट किया था। तो जब उसने हमारी ये कैटेगरीज देखी कि हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और हम एड्स रन भी करते हैं, और हमारा लोगों को ऑनलाइन जो हम एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करते हैं या वेबसाइट बनाते हैं, तो उसने इन कैटेगरीज को देख के ये अंदाजा लगाया कि हम लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये हमारी जो एड है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसने खुद से एक आपको कहा कि आपकी कैटेगरी के बेस के ऊपर हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट की स्पेशल एड कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो अगर तो आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एड है, मतलब आप लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसको ऑन कर दें, ठीक है, और अगर नहीं कर रहे तो इसको आप ऑफ ही रहने देंगे, ठीक। दी अपीयर ओके चलें। अब देखिए आगे यहाँ पे हमने ना ऑडियंस को सिलेक्ट करना है कि कौन सी ऑडियंस को हम अपनी एड शो करवाना चाह रहे हैं। तो इसमें भी हम या तो फेसबुक पे छोड़ सकते हैं कि वो खुद से सिलेक्ट करे ऑडियंस के जिनको जिसको वो एड दिखाए। तो फेसबुक कैसे सिलेक्ट करेगा, वो भी आपकी पेज की सेटिंग्स देखेगा, पेज की डिटेल्स देखेगा कि आपके पेज के ऊपर किस टाइप्स की आपने कैटेगरीज को और इंटरेस्ट को अब सेट किया था, ठीक है। तो उनको देख के वो डिसाइड करेगा कि कौन सी टाइप की ऑडियंस को मैं आपकी एड को शो करूं। तो आप इसको एडवांटेज ऑडियंस को अगर ऑन करेंगे तो ये फेसबुक डिसाइड करेगा कि उसने किसको आपकी एड दिखानी है, ठीक। और अगर आप इसको ऑन नहीं करना, बल्कि आपने खुद से ऑडियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है कि आप किस टाइप के ऑडियंस को अपनी एड को शो करना चाहते हो। मैंने आपको बताया था कि जब आपने स्टार्टिंग में एड रन करनी है तो आपने ये एडवांटेज ऑडियंस को ऑन नहीं करना, बल्कि आपने खुद से अपनी ऑडियंस की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि कौन सी ऑडियंस आपकी जो कौन सी ऑडियंस को आप अपनी एड शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे खुद से अपनी ऑडियंस की सिलेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि किस टाइप की ऑडियंस को अपनी एड आप शो करना चाहते हो, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जेंडर है इसमें, अगर आप या तो जैसे फॉर एग्जांपल आप विमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे विमेन को सिलेक्ट कर लें, और अगर जेंट्स की हैं तो मेन को, और अदरवाइज अगर दोनों से रिलेटेड है तो ऑल को। और शुरू में ना आप ऑल को ही सिलेक्ट किया करें, और मतलब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि हमें किस टाइप के ऑडियंस से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों को ऑन करके ऑल को सिलेक्ट करके करेंगे तो आप ये टेस्ट देख सकेंगे रिजल्ट्स के इससे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं या नहीं। अगर नहीं आए तो आप फिर जब अपनी सेकेंड टाइम एड रन करें तो फिर आप वो वाली जेंडर को सिलेक्ट कर लें जो स्पेसिफिक है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हमने एज को सिलेक्ट करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो परचेज करने में किस एज के लोग जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि हमारी ये सर्विसेज कौन किस एज के लोग हमसे बाय करेंगे, ठीक है। तो अब जो ज्यादातर बिजनेस ओनर्स है ना वही डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज लेते हैं, मतलब तो वो अपने बिजनेस को अपने अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे होते हैं ना। तो आपने ये देखना है कि जो बिजनेस ओनर्स है उनकी एज क्या होती है, ठीक। तो वो मोस्टली 25 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ से ना मिनिमम एज लिमिट को 25 कर देना और मैक्सिमम को 55 तक कर दें, ठीक। कल मैंने ये काफ़ी डिटेल से सब सिखाया था कि हम एज लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक। आज जस्ट ये मैं रिवाइज कर रही हूँ तो इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि मैंने आज ये कंप्लीट करना है आपका काम, ठीक। तो कल वाला लेक्चर जो है ना वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो आप उससे 1 मिनट बाद देख दोबारा से पूरा ये डिटेल में देख लीजिएगा कि एज सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि हम किस किस लोकेशन पे अपनी एड को रन करना चाहते हैं, यानी हम किस किन किन एरियाज में अपनी एड शो करवाना चाहते हैं, या किन सिटीज में या किन कंट्रीज में शो करवाना चाहते हैं, ठीक। अच्छा, शुरू में अगर आपकी जो प्रोडक्ट है ना
आपने जब सेल करनी है और आपके पास इतना ज्यादा बजट नहीं है अपनी एड एड पे लगाने के लिए, तो आप सिर्फ जो बड़े सिटीज है ना, बिग सिटीज है, उनको टारगेट कर लें, उनमें अपनी एड पे शो करवा दें, और जो छोटे सिटीज है शुरू में उनमें अपनी एड रन ना करें। अब बड़े सिटीज को टारगेट करने का फायदा क्या होता है कि जो इन सिटीज में ना जो कोरियर कंपनीज होती हैं उनकी सर्विसेज अच्छी होती हैं, इजीली उन सिटीज में आपका ऑर्डर डिलीवर कर देती हैं, ठीक है। जो छोटे सिटीज होते हैं ना, इनमें उनको फाइंड आउट करना जो होता है ना उस लोकेशन को कस्टमर की, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और सेकेंडली ये कि यहाँ पे जो बड़े सिटीज है वहां से आपको रिटर्न रेशो भी कम होती है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना इनकी हैबिट होती है कि ऑनलाइन ही बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो बिग सिटीज के लोग हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन ही बाय कर रहे होते हैं, तो इसलिए जब उनके पास वो कोई ऑर्डर करते हैं तो जब उनको वो चीज डिलीवर की जाती है तो वो उस चीज को ले लेते हैं, उसको रिटर्न नहीं करते, ठीक। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में बिग सिटीज को टारगेट कर लिया करें, और उसके बाद फिर आप जब एक मिनट तो आपकी प्रोडक्ट सेल आउट होना शुरू हो जाए, आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, और आपके पास इतना अब इन्वेस्टमेंट है कि अब आप और जगहों को भी टारगेट कर सकते हैं, फिर आप स्मॉल सिटीज को भी इंक्लूड कर लें, ठीक। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट पूरे पाकिस्तान में एड नहीं रन कर रही, उसके बिग सिटीज में ही करना चाहती हूँ, ठीक। तो मैं ये पाकिस्तान को यहाँ से क्रॉस करूंगी और यहाँ से सिटीज को सर्च करूंगी। लाहौर को मैंने सर्च किया, अब ये देखेंगे काफी सारे शो हो रहे हैं इसमें से, जो आपको लग रहा है ना कि बिल्कुल सही है, जैसे लाहौर पंजाब पाकिस्तान, तो ये वाला आप क्लिक कर लें, ठीक। एक ये जो यूनाइटेड स्टेट्स वाला है इस पे आपने नहीं क्लिक करना है। ओके, अब देखिए जैसे ही मैंने लाहौर पे क्लिक किया ना, तो ये इन्होंने लाहौर पे की पिन ड्रॉप की, ये जो ब्लू कलर की शो हो रही है ना इसे पिन कहते हैं, ठीक। अब ये लाहौर के सेंटर में एक पिन ड्रॉप हुई है और उसकी साइड्स पे ना कुछ इलाका उन्होंने हाईलाइट कर दिया है, कुछ रेडियस। अब इसके ऊपर उन्होंने लिखा है 40 किलोमीटर, मीन्स कि यहाँ से ऑल साइड्स पे ना 40 40 किलोमीटर तक ये टारगेट कर रहा है। अब 40 किलोमीटर काफी ज्यादा बड़ा रेडियस है, तो लाहौर के जो साइड्स पे छोटे छोटे से देहाती इलाके ना वो भी इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे ये शरखपुर है ये एक गांव है, ठीक है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। तो हमें सिर्फ लाहौर को टारगेट करना है, ये साइड्स के जो छोटे छोटे विलेजेस है ना इनको टारगेट नहीं करना, तो हमें अपना रेडियस जो है ना इसको कम करना होगा। तो अब ये देखें ये जो नीचे स्लाइडर आ रहा है ना, इस स्लाइडर को आप लेफ्ट साइड पे लेकर जाएं तो ये रेडियस कम हो रहा है, और अगर इसको राइट पे लेके जाएंगे ये रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो हमने इसको जो मिनिमम रेडियस है ना 17 किलोमीटर तक कर देना है, और अगर आपका ये माइल्स में शो हो रहा है तो इसको 10 माइल्स तक कर दें, ठीक। देखिए अब मैंने लाहौर को कर दिया, इसके अलावा हमने देखना है कि और कौन से बिग सिटीज हैं, जैसे इस्लामाबाद। मैंने कल आपको एक मेथड भी बताया था कि अगर हमने ये देखना है ना कि पाकिस्तान कौन से बिग सिटीज हैं, तो आप उनको सर्च कर लें गूगल पे जाके ना, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन पाकिस्तान लिख के ना सर्च करें, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में जो फर्स्ट 10 नेम्स आ रहे हैं ना, आप उनको वो वाले नेम्स को यहाँ से सर्च करें और वो वाले सिटीज इंक्लूड कर दें, ठीक। तो अगर मैं तो आपको सर्च करके बता भी देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे लिखें गूगल पे मोस्ट पॉपुलेटेड, आप ये देखिए लिस्ट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन आ रही है, आपने इसको ओपन करना और इस लिस्ट में जो स्टार्टिंग में फर्स्ट 10 या 15 सिटीज आ रहे हैं ना इनको टारगेट कर लें आप, जैसे ये कराची आ रहा है, लाहौर आ रहा है। और ना स्टूडेंट्स ये देखें जो जी मोस्टली जो हम अब जब हम कुछ भी सेल आउट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास कराची से ना बहुत ज्यादा ऑर्डर्स भी आते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड भी सिटी है, और तो इससे यहाँ से ऑर्डर भी हमें सबसे बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपने कराची को भी इंक्लूड कर लेना है। पहले इस्लामाबाद कर रहे थे हम, वो वाला कर लेते हैं इस्लामाबाद, उसके बाद हम करते हैं ये देखें ये इस्लामाबाद कैपिटल ये वाला है पाकिस्तान का, और इसका भी अपने रेडियस 17 कर देना है, ठीक। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे कराची का फाइंड आउट करना है। मैं बस आज ठीक ही करूंगी क्योंकि कल मैंने काफी ज्यादा आपको करके दिखाए थे, तो ये देखें कराची से इन पाकिस्तान ये वाला है, तो इसको भी अपने सेलेक्ट करके इसका रेडियस भी 17 किलोमीटर तक कर देना, ठीक।
अच्छा, एक तो ये सिनेरियो है कि आप जो अपने प्रोडक्ट है ना वो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में बेचना चाह रहे हैं और आपके पास लो बजट है, तो आपने जस्ट जो पाकिस्तान के बिग सिटीज है उनको टारगेट कर लिया। अच्छा, अब फर्ज करें आपको न्यू न्यू बिजनेस है, अभी आप आउट ऑफ सिटी अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे, आउट ऑफ सिटी आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर रहे, आप जस्ट अपने सिटी में ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपने ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। अगर तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत हाई है ना, तो फिर आपने अपना लाहौर के जो पॉश एरियाज है ना उनको टारगेट करना है। जैसे आप देखें अगर कोई फिर जो रियल लेदर है ना उसके बैग्स वगैरह बनाए तो वो काफी कॉस्टली होते हैं, तो उनको वो जब इतनी कॉस्टली आइटम्स होती है ना, तो वो छोटे इलाकों के जो लोग हैं बहुत वो इतने ज्यादा मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते उन आइटम्स के प्राइसेस को, तो वो नहीं खरीदेंगे आपसे। तो उनको आप अगर अपनी एड को शो करेंगे तो आपका बजट वेस्ट होगा। तो इसलिए आपने इस केस में क्या करना है कि आप अपनी एड जो है ना पॉश एरियाज के में शो करवाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ से गूगल से सर्च आउट भी कर सकते हैं पॉश एरियाज इन लाहौर। और वैसे भी यहाँ से आप पहले इन सिटीज को रिमूव कर दें, और यहाँ पे हम जैसे मॉडल टाउन है सर्च आउट करेंगे मॉडल टाउन, ठीक है। और ये देखिए मॉडल टाउन आपने आगे लाहौर लिख के सर्च करना है। ओके, अब ये देखिए ये मॉडल टाउन को इसने हाईलाइट कर दिया एरिया को। अब आप के अलावा जोहर टाउन को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब इन एरियाज के अराउंड वो कितने रेडियस को टारगेट कर रहा है, 2 किलोमीटर तक। अब आप ये जो रेडियस है ना इसको मैक्सिमम ना 4 किलोमीटर तक रखेंगे, ठीक है। मिनिमम 2 किलोमीटर और मैक्सिमम 4, यानी 2, 3 और 4 के मिड में हमने रखना है। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ना, तो अब आपको ये लोकेशंस करीब करीब शो होना शुरू हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज करती हूँ 4, ठीक है, 4 किलोमीटर किया। और अब आपने ये चेक करना है कि ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे। अगर तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो हमने ये देखना है कि ज्यादा लोकेशन को इंटरसेक्ट ना करें, मीन्स ये ना हो कि पूरा हाफ हाफ एरिया का एक दूसरे के ऊपर आ रहा हो। अगर इस तरह से हो रहा था फिर आपने अपने रेडियस को कम कर देना है, ठीक। ओके, ये देखिए ये मॉडल टाउन है ना, तो ये मॉडल टाउन का भी अगर मैं रेडियस जो है ना 4 किलोमीटर करके देखती हूँ, तो और फिर मैं ये चेक करूंगी कि ये इंटरसेक्ट कितना कर रहा है इसको। अब देखें ये एक दूसरे के ऊपर आ रहा है ना, अब ये बहुत कम इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर तो ये बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट कर रहा हो ना, मीन्स ये हाफ एरिया एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो फिर आपने इनके रेडियस को कम कर देना 2 या 3 किलोमीटर तक, ठीक है। इसके अलावा ओके, इसके अलावा हम गुलबर्ग को देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गुलबर्ग करूंगी सर्च। ओके, अब आपने ये देखिए गुलबर्ग को जब किया ये 2 किलोमीटर है और ये काफी ज्यादा इंटरसेक्ट भी कर रहा है गार्डन टाउन को, ठीक है। तो ये गार्डन टाउन का जो है ना, पहले ये गार्डन टाउन पे क्लिक करें, सॉरी गार्डन टाउन में ये मॉडल टाउन है, क्योंकि मॉडल टाउन को थोड़ा सा मैं इसका रेडियस रिड्यूस कर देती हूँ 3 तक, ताकि ये बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट ना करे एक दूसरे पर। ठीक है, अब देखें अभी ये बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, इसकी रीजन क्या है कि हम ये क्यों नहीं चाह रहे कि बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट ना करे वो, क्योंकि जब बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये एक ही एरिया के लोगों को बार दो दफा टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं करने देना इसको। और एक और चीज आप देखें, यहाँ से हम ना पिन भी ड्रॉप खुद से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से सर्च करें एरियाज को, या फिर हम फॉर एग्जाम्पल ये मॉडल कॉलोनी है ना, तो मैं यहाँ से पिन ड्रॉप पिन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे आके मॉडल कॉलोनी के ऊपर एक मतलब क्लिक कर दूंगी, तो ये मॉडल कॉलोनी वाला एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ये सिलेक्ट होगा तो आप देखें यहाँ पे उस एरिया का नेम नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पे एक इस आईडी शो हो रहा है, ठीक है। तो हम जब हम एरियाज के नेम शो करते हैं करते हैं, तो ये जो कीवर्ड्स है ना टारगेट हो जाते हैं उन एरियाज के, मीन्स जिन लोगों ने अपने फेसबुक आईडी के अंदर ये शो किया हुआ है कि वो इन एरियाज में रह रहे हैं ना, तो वो वाले कीवर्ड जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो उन लोगों को हमारी एड शो होगी जो कि इन एरियाज में रहते हैं।
तो इसलिए हमने यहाँ पे पिन ड्रॉप नहीं करना, बल्कि हमने एरियाज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने डिटेल टारगेटिंग करनी है। डिटेल टारगेटिंग में हमने ये देखना होता है कि हमारी ऑडियंस के इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो पेज है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, और हम जो सर्विसेज इस पोस्ट एड के थ्रू हम लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आपने ये चेकआउट करना है कि जिन लोगों को आपकी ये एड शो होगी वो ज्यादातर उन लोगों को इंटरेस्ट किस चीज में होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि उन लोगों का, जिन लोगों का इंटरेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग में है, आप वो वाले लोगों को पहले ऐड करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख के सर्च कर लें सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये देखें, अभी हमने जब ऊपर लिखेंगे ना तो नीचे भी उससे रेलिवेंट सारे इंटरेस्ट होना शुरू हो गए हैं। तो आप यहाँ से नीचे से ये सिलेक्ट कर लें सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों का एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट है उनको भी आप कर लेंगे सिलेक्ट। ये देखिए, एडवर्टाइजिंग हो गया एड्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए जो बिजनेस ओनर्स है ना, उन लोगों को भी आपकी एड में इंटरेस्ट होगा। मीन्स कि वो जो जिन लोगों के अपने बिजनेसेस हैं, वो लोग आपसे अपनी बिजनेसेस की एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहेंगे। तो आपने यहाँ पे बिजनेस ओनर्स को सिलेक्ट कर फाइंड आउट करना है उनके इंटरेस्ट को, ठीक है। बिजनेस ओनर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अच्छा देखिए, पहले तो जब मैंने बिजनेस लिखा ना, तो एक तो बिजनेस एंड फाइनेंस में जिनको इंटरेस्ट है, और इसके अलावा ये देखें एक शोर है बिजनेस एंड फाइनेंस डेमोग्राफ्स। देखिए, डेमोग्राफ्स क्या होता है, किसी भी शख्स का जेंडर, एज, उसके इंटरेस्ट वगैरह या उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सब चीजें जो होती है ना उसकी डेमोग्राफ्स में आती हैं। अब जब यहाँ पे बिजनेस एंड फाइनेंस लिखा हुआ है, मीन्स कि वो ये उसका प्रोफेशन है बिजनेस एंड फाइनेंस, ठीक है। तो आपने ये वाला चूज कर लेना कि जिस शख्स का प्रोफेशन बिजनेस एंड फाइनेंस है, तो वो उसको आपकी इस एड में इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा देखें जो जैसे रियल एस्टेट के जो लोग हैं ना, वो भी एड्स रन करवाना चाहते हैं, तो उनको भी इंटरेस्ट होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो आप यहाँ पे रियल एस्टेट फाइंड आउट करें। ओके, ये देखें, ये एक रियल एस्टेट डेमोग्राफ्स आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा रियल एस्टेट ब्रोकर्स भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लें। इस तरह से आपने मैक्सिमम जितने जो इंटरेस्ट है ना, वो आपने फाइंड आउट करने हैं कि जो आपकी आपको लगता है कि ये वाले इंटरेस्ट की जो ऑडियंस है ना, उनको आपके एड में या आपकी सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, आप वो मैक्सिमम इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। और इसको एक और तरीका है कि फॉर एग्जाम्पल, आपको ना समझ नहीं आ रहा कि आपके इंटरेस्ट बिजनेस में किस चीज को इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप इसके लिए ना ये चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने चैट जीपीटी से पूछ लिया कि मैं आई वांट टू रन माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एट पीपल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू डाई टारगेट। तो अभी देखिए, उसने आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करवा दिए हैं कि जैसे जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको भी इंटरेस्ट हो सकता है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी में। इसके अलावा रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, और इसके अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट के जो चला रहे हैं उनको भी इंटरेस्ट हो सकता है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस चैट जीपीटी से भी हेल्प लेके तो मैक्सिमम इंटरेस्ट है ना वो फाइंड आउट करके, तो यहाँ पे सर्च करने और सबके सब इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो जब आप यहाँ पे मैक्सिमम इंटरेस्ट लिखेंगे, तो जिन लोगों के इंटरेस्ट इन चीजों में है ना, उन सबको आपकी ऐड शो होगी, ठीक है। तो इसके अलावा हमने होटल्स फाइंड कर लेते हैं, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, रेस्टोरेंट्स कर लेते हैं। ओके, अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, एक तो शो हो रहा है कि रेस्टोरेंट्स में इंटरेस्ट है, और एक है रेस्टोरेंट्स में रेस्टोरेंट डेमोग्राफिक्स है, ठीक है। अब जिस तरह रेस्टोरेंट में डेमोग्राफिक्स हो रहे हैं, मीन्स कि उनका प्रोफेशन ये है रेस्टोरेंट, ठीक है। और जिसका जस्ट इंटरेस्ट हो रहा है, मीन्स कि वो उसको जस्ट होटलिंग में, मतलब होटल्स में से खाना लेने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब आपने खुद से देखना है कि आपके बिजनेस से रेलिवेंट कौन सी ऑडियंस है, ठीक है। तो जिनके डेमोग्राफिक्स ये हैं, यानी जिनका प्रोफेशन है ना रेस्टोरेंट, आपने उनको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। और एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट भी आ रहा था,
फूड एंड रेस्टोरेंट पे भी कर दें। ओके, इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं यानी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उन्होंने भी अपनी एड्स रन करवानी होती हैं, तो उनको भी इंटरेस्ट हो सकता है आपके ऐड में। ठीक है, तो हम यहाँ से सर्च आउट कर लेते हैं हाई स्कूल्स आ जाएगा, या फिर देखिए जैसे हम हाई स्कूल्स और या फिर ये। ठीक है, इसके अलावा कॉलेजेस। ओके, यहाँ से ना जो स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। सॉरी, जो पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान के ही करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ना आपने कुछ नेम सेलेक्ट फाइंड आउट कर लेने और फिर वो नेम्स आप सर्च आउट कर लेना। ये देखिए जैसे ये फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज आ रहा है, ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं हम है या नहीं। ठीक है, ये देखिए ये आ रहा है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। ओके, इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है ये देख लेते हैं। अच्छा, कुछ ना उन्होंने ऐड किए होते हैं फेसबुक ने, स्कूल में कुछ नहीं किए, तो जो ऐड किए हैं हम उनमें से ही कुछ चूज कर सकते हैं, और अगर हमने कुछ सर्च किया वो नहीं ऐड हुआ तो फिर हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, इस तरह से हमने कुछ स्कूल्स के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के नेम्स फाइंड आउट करने हैं, और वो भी यहाँ पे हमने लिख के सर्च करना है कि वो आ रहे हैं, तो फिर आपने उनको भी सिलेक्ट कर देना है। ठीक, इसके अलावा आप यहाँ पे देखें हम और क्या कर सकते हैं। ओके, अभी इन्होंने ना कुछ हमें बिहेवियर्स भी बता दिए, जैसे इंगेज शॉपर्स। इंगेज शॉपर्स मीन्स वो लोग जो कि शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी जिनके ये बिहेवियर है वो कुछ ना कुछ परचेज करते रहते हैं। ठीक है, तो वो आपकी मार्केटिंग की सर्विस ही देना, वो भी बाय करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, यानी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। और इसके अलावा बिजनेस पेज एडमिन, यानी जो बिजनेस पेजेस के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ना, वो भी आपसे आपकी सर्विसेज ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, 1 मिनट रह गए, मैं क्लास लीव करके आपको न्यू लिंक सेंड करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको फिनिश करते हैं। देखिए, जो लोग बिजनेस पेज ओनर्स हैं ना, जिनके फेसबुक पेज की फेसबुक के बिजनेस पेजेस हैं, उन लोगों को भी इंटरेस्ट होगा इस चीज में कि वो भी अपनी एड्स रन करवाएं, ताकि वो अपने फेसबुक पेजेस को के ऊपर इंगेजमेंट ज्यादा लाएं या सेल्स ज्यादा लेकर आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं बिजनेस पेज एडमिन। ठीक है, अब देखें इसमें एक तो शो हो रहा है कि बिजनेस पेज एडमिन पे शो हो रहा है, इसके अलावा फेसबुक पेज एडमिन, यानी जो फेसबुक के पेजेस के एडमिन है, चाहे वो बिजनेस पेजेस हो या कोई और पेजेस हो, उनके एडमिन भी हैं। इसके अलावा न्यू पेज एडमिन और स्मॉल बिजनेस ओनर्स। अब देखें, एक तो ये वाला बिजनेस पेज एडमिन हम एंटर कर लेते हैं, इसके अलावा स्मॉल बिजनेस ओनर्स को भी हम एडवर्टाइजमेंट की जरूरत हो सकती है। ठीक है, तो हम ये भी कर लेंगे। और इसके अलावा बिजनेस डिसीजन मेकर्स, यानी जो अपने बिजनेस के बारे में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो वो भी अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट्स रन करवाने का डिसीजन भी तो ले सकते नहीं है ना, तो हम इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रेवल एंड टूरिज्म पेज एडमिन, तो आप देखें कि इनको भी जरूरत होगी एडवर्टाइजमेंट्स की, तो इनको भी हम ऐड करेंगे। और स्पोर्ट पेज एडमिन, इसके अलावा रिटेल पेज एडमिन और हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन, ये सारे हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने बिजनेस पेज एडमिन किया, उसके बाद स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद बिजनेस डिसीजन मेकर्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म पेज एडमिन और स्पोर्ट पेज एडमिन भी कर देंगे। स्पोर्ट पेज एडमिन आई थिंक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करके क्या करना है, या तो अगर ये सिखा रहे होंगे ना तो फिर वो वाले पेजेस हम ऐड कर लेंगे। रिटेल पेज एडमिन को भी कर लेते हैं। ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन को करेंगे। अब हम कर लेते हैं फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमिन को भी। ठीक है, इस तरह से हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट को ऐड करना है। और इसके अलावा ना जो इंगेज शॉपर्स हैं उनको भी हम ऐड कर लेते हैं, मीन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं शॉप चीज कुछ ना कुछ बाय करने में या सर्विसेज लेने में, उन लोगों को भी हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये करने के बाद हमने यहाँ से सेव ऑडियंस पे क्लिक कर लेना। ओके, अब हमने जितनी भी ऑडियंस की डिटेल्स ऐड की थी ना, वो यहाँ पे आ रही है कि लोकेशंस कौन सी हमने ऐड की हैं,
एंगेजेस जेंडर्स भी आ रही हैं, और इसके अलावा कौन से पीपल इंटरेस्ट के लोग जो है ना, इंटरेस्ट भी हमने कौन से ऐड किए, वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे एडिट करके बाद में उसको एडिट भी कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमने ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है कि आपकी ऐड कितने डेज तक रन हो, या कितने दिनों तक आप बूस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने खुद से 7 लिखा, आप इसको कम भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इसको 6 कर दो या 4 कर दो, ठीक है। और एंडिंग डेट भी आपने उन्होंने लिखी हुई है कि आप किस डेट तक अपनी ऐड को रन भरना चाहते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको इंक्रीज करी ना 5 डेज, तो ये खुद ही एंडिंग डेट 15 की लाइट सेलेक्ट हो रही है, मतलब 5 दिन बाद की डेट। अगर मैं कम करती हूँ तो ये 4 दिन बाद की डेट सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने देखे अगर हमने 4 दिन के लिए चलानी है अपनी कैंपेन ना, तो उसका बजट मैक्सिमम मिनिमम जो है ना 2,000 रुपीज होना चाहिए, ठीक। तो अगर आप 7 डेज की चला रहे हैं तो वो 4,000 रुपीज होना चाहिए उसका बजट, ठीक। तो अब यहाँ पे मैंने 4 दिन की चलानी है, तो कम से कम वो ना ये फेसबुक खुद भी कुछ एस्टिमेट लगा के बता देता है कि 1,957 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 2,000 आपको इन्वेस्ट करने चाहिए यहाँ पे। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 7 कर देती हूँ जी, तो उससे तो बजट इंक्रीज नहीं किया, लेकिन आपको बजट इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि आपने अपनी ऐड के रिजल्ट अच्छे लाने हैं, ठीक है। तो अच्छे रिजल्ट के लिए 4 डेज की ऐड पे कम से कम 2,000 और 7 डेज की ऐड पे कम से कम 4,000 रुपीज आपको स्पेंड करने चाहिए, ठीक। तो मैं इसको 4 डेज पे कर लेती हूँ, मुझे 2,000 भी लगाने हैं, और यहाँ से मैंने पूरे 2,000 रुपीज कर दिए हैं। अब प्लेसमेंट में ना वो आप कह रहे हैं एडवांटेज प्लस प्लस प्लेसमेंट, यानी कि फेसबुक जो है ना खुद से देखेगा कि कहाँ पे आपकी ऐड लगा के उसे अच्छे रिजल्ट आएंगे, उन सब प्लेसेस पे वो खुद से ऐड लगा देगा, या फिर आप यहाँ पे इसको ऑफ करें और नीचे से खुद से कोई ना कोई मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लें, यानी खुद सिलेक्ट करें कि आपको कहाँ पे अपनी ऐड को शो करवाना है। तो अगर आपको फेसबुक पे शो करवाना है, आप फेसबुक को ऑन करें और ये इंस्टाग्राम और मैसेंजर को ऑफ कर दें, ठीक है। ये फेसबुक पहले ही ऑन, अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे करवाना है तो इन दोनों को ऑन कर दें, ठीक है। इसके बाद हम इसमें पेमेंट मेथड ऐड करना है, मीन्स के आप पे कैसे करोगे फेसबुक को। तो यहाँ से उसने आपसे पूछा है कि आप ऐड करें, क्लिक करें ऐड पे, तो यहाँ पे अब आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड उन्होंने सेलेक्ट पहले से किया हुआ है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड को आपने इसमें ऐड करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो आपके कार्ड के ऊपर आप नेम मेंशन है, आपने वो नेम लिखना है, और अपने कार्ड का 8 डिजिट्स का नंबर लिखना है, और उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है, और कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट्स का CVV नंबर दिया होता है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक। और इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद आपने पब्लिश पे क्लिक करना, तो आपकी जो पोस्ट है ना वो बूस्ट हो जाएगी, और जो आपके कार्ड है उसमें से वो डिडक्ट करेगा आपके एड रन होने के बाद 2,000 रुपीज, ठीक है। और जब सम टाइम हम जब पेमेंट मेथड ऐड करते हैं ना, तो कुछ जो हमारे फेसबुक अकाउंट है ना उनमें पेमेंट पहले डिडक्ट कर लेते हैं और बाद में आपकी ऐड रन होती है, और कुछ में ऐड पहले रन हो जाती है, पेमेंट बाद में डिडक्ट होती है। और ये हम सेटिंग इसकी नहीं कर सकते, ये फेसबुक ने पहले से ही मतलब जब हम अकाउंट बनाते हैं ना, तो फेसबुक पहले से कुछ अकाउंट्स को प्रीपेड बना देता है, कुछ को पोस्ट पेड बनाता है, तो जिसको उसने पोस्ट पेड बना दिया वो बाद में पेमेंट करेगा, और जिसको उसने प्रीपेड बना दिया वो पहले करेगा, ठीक है। जितने डिजिट्स होते हैं वो CVV आप एंटर कर दें, ठीक है। ओके, यहाँ तक सब सब कुछ क्लियर है, क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है, मैंने आपको सारी सेटिंग भी समझा दी है। अब आपने जस्ट अपना कार्ड का कार्ड अटैच करना है और अपनी पोस्ट को पब्लिश कर लें, सॉरी ऐड को पब्लिश कर देना है जी। कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछ लें, और अगर क्लियर है तो क्लियर का मैसेज कर दें। ओके, अब ना मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि ना आप कौन से वाले कार्ड आपको अटैच करना बेनिफिशियल रहेगा। तो आपकी पावर पॉइंट की स्क्रीन शो हो रही है, ओके। अब ये देखें जो जैस कैश और इजी पैसा कार्ड है वो तो आप अटैच कर नहीं सकते, और जिन कार्ड्स पर पेपॉल लिखा होता है, पेपॉल नहीं पेपॉल, वो भी अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड अटैच कर सकते हैं। अब जो बैंक कार्ड्स है ना वो बेस्ट है अटैच करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर ना जो टैक्सेस है ना वो मिनिमम डिडक्ट हो रहे होते हैं, 11 से 18% टैक्सेस डिडक्ट होते हैं बैंक कार्ड पे। और इसके अलावा ना आप सादा पे या नया पे का कार्ड बना के वो भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्सेशन है वो ज्यादा है, 22 से 25% टैक्स रेशियो है। और जो अल्फा और MCB कार्ड है ना, इनके ऊपर टैक्स रेशियो बाकी बैंक्स के नस्बत थोड़ी कम है, क्योंकि कुछ बैंक्स में 18% तक टैक्स रेशियो होती है, लेकिन ये अल्फा और MCB जो है ना इनके 11% तक टैक्स रेशियो है, ठीक है।
अच्छा, जब आपने जब भी अपना कार्ड बनवाना है ना, आपने अपने बैंक से न्यू कार्ड जब बनवाना है तो आपने उन्हें बताना है कि आपने इस कार्ड को ई कॉमर्स पर्पज के लिए यूज करना है, ठीक है। और उन्हें ये बताना है कि मुझे ये इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए भी यूज होगा। मीन्स आपने कोई चीज सेल आउट करनी है तो जरूरी नहीं आप जस्ट पाकिस्तान में ही सेल करो, आप आउट ऑफ कंट्री भी उसको सेल कर सकते हो। तो हमने बैंक में ये बता के अपना कार्ड बनवाना है कि आपने ये ई कॉमर्स के लिए बनाना है और ये इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज करना है मैंने कार्ड, ठीक है। और जब भी आपके कार्ड जो बैंक कार्ड होते हैं ना, मोस्टली उनके अंदर ई कॉमर्स सेशन ओपन होता है। ये ई कॉमर्स सेशन जो होता है ना, जैसे एमसीबी अल्ट्रा बैंक के कार्ड है, इनके अंदर भी ई कॉमर्स सेशन होता है। ये ई कॉमर्स सेशन एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, क्योंकि जो कार्ड हम इन कार्ड के थ्रू ऑनलाइन कुछ भी सेल परचेज कर सकते हैं, इसके अलावा हम अपनी एड्स भी रन कर सकते हैं ना। तो अगर हमारा कार्ड फॉर एग्जाम्पल हमसे कहीं पर गिर गया या किसी और के पास तो मिल गया, तो वो हमारे कार्ड का नंबर वगैरह यूज करके तो वो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता है और अपनी एड्स भी रन कर सकता है। तो हम इसलिए उसके ऊपर एक ई कॉमर्स सेशन ऑन जब पहले हमने अपने लिए किया होता है, लेकिन जैसे ही वो कार्ड हमसे कहीं पे गुम हुआ तो हम ई कॉमर्स सेशन को ऑफ कर देंगे, ठीक है। जब वो ई कॉमर्स सेशन ऑफ करेंगे तो अब हमारे कार्ड से कोई भी ई कॉमर्स की जो है ना ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगी, मतलब हमारे कार्ड के थ्रू कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकता और कोई अपनी एड्स भी रन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो ई कॉमर्स सेशन है, या तो जो बैंक की एप्स होती है ना उन एप्स के थ्रू ओपन या क्लोज हो जाता है, या फिर आप बैंक वालों से कहें तो वो आपको ओपन कर देंगे या क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी कार्ड्स के रिलेटेड, के आपने जो कौन से बैंक से जिनके कार्ड्स अगर आप बनवा रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और वो अगर आप अटैच करें तो आपको टैक्स भी कम डिडक्ट होंगे और आपको मतलब थोड़ा लॉस कम होगा, क्योंकि ज्यादा टैक्स डिडक्ट होंगे तो आपसे आपके पास से जाएंगे ना, तो आपको ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज मैं क्लास फिनिश कर एंड कर देती हूँ क्योंकि टाइम भी खत्म हो गया। ओके, अब आपका आपने क्या काम करना है कि आपने अपने जो ब्रांड का पेज बनाया था ना फेसबुक पेज, आपने उसके ऊपर जो पोस्ट की थी उस पोस्ट को बूस्ट करने के लिए सारी सेटिंग्स कर लेनी है, ठीक है। और फिर उस सेटिंग के स्क्रीनशॉट लेके वो मुझे आपने सेंड करने हैं व्हाट्सएप पे। ये आपकी इस वीक की असाइनमेंट है, ठीक है। और पेमेंट मेथड अगर आपके पास कार्ड है तो पेमेंट आप कार्ड अटैच करके देख लेंगे मेरे पास, लेकिन कार्ड के अंदर बैलेंस ना हो, क्योंकि समटाइम हम कार्ड अटैच कर देते हैं और हमारे जो फेसबुक आईडी है ना वो हैक हो जाता है, और वो जो दूसरे लोग हैं वो हमारे आईडी के थ्रू अपनी वो एड्स रन करते हैं। तो जब आप अटैच करें उस टाइम कार्ड में बैलेंस ना हो, वरना अभी आप अटैच ना करें कार्ड, जब आपने रियल में अपनी पोस्ट को बूस्ट करना है या अपनी एड रन करनी है तभी अपना कार्ड अटैच कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें रिस्क काफी होते हैं, जब हम एड रन कर रहे होते हैं तो हमारे फेसबुक पेजेस हैक होने का रिस्क ज्यादा होता है, ठीक। ओके, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे सेंड करके पूछ सकते हैं, ठीक है।